नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रस की परिभाषा और विभिन्न रसों के भागों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। संस्कृत में कहा गया है कि रसोत्कम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। दोस्तों इसके बाद हमारा है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रीति है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रीति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस शानदार, सुंदर वन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। श्रृंगार रस दो भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। उदाहरण, बसो मेरे नयनन में नंद लाल, मोर मुकुट मकरातिक कुंडल, अरुण तिलक दियो भाल। दोस्तों दूसरा है हमारा हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शरीर की बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, तथा यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, सीरा पर गंगा हसे, भुजानी में भुजंगा हसे, अस ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दोस्तों इसके बाद हमारा तीसरा है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके अंतर्गत युद्ध या कभी किसी कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण, बूंदा वाले बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों इसके बाद हमारा चौथा है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु को विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब या रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे करुण रस कहा जाता है। उदाहरण, सीता गए तुम भी चले, मैं भी ना जी पाऊंगी यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे वहाँ। दोस्तों इसके बाद हमारा है पांचवा शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेश अथवा उदासीनता होता है। इसका अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार के वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन में शांति प्रदान करते हैं, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब देखा दीपक देख्यो माही, कबीरा दीपक देख्यो माही। दोस्तों इसके बाद हमारा है छठवा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर मन में जो आश्चर्य विस्मय का जो भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो इसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। दोस्तों ये था अद्भुत रस। दोस्तों इसके बाद हमारा है भयानक रस, सातवां। इसका स्थायी भाव भय होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना को वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो इसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज,
बिकट बिछोही बीच की, पैरों मूछो खाए। उसके बाद हमारा है रौद्रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो क्रोध अर्थात गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो इसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। दोस्तों इसके बाद हमारा है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है घृणा। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर सुनकर देखकर मन में जो घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न हो तब तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो इसे निभत्स रस कहते हैं। उदाहरण, आंखें निकाले उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, सौ जीभ खींच कर कौवे चुभाला चुभला कर खाते, भोजन के स्वान लगे मुद के भा पर लाटे, खा मांस चाट लेते चटनी सेम बहते बहते बेटे। दोस्तों इसके बाद हमारा है वात्सल रस। इसका स्थायी भाव वात्सलता या अनुराग होता है। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों के बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु के शिष्य के प्रति प्रेम इत्यादि का भाव जब मन में उत्पन्न होता है तथा यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे वात्सल रस कहते हैं। उदाहरण, बाल दशा सुख नि राखी, यशोदा पुनि पुनि नंद बुलाती, अचरा तर त्वे दागी प्रभु सुर प्रभु को दुख पियावाती। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों।